हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शहरी ताज़ा खाना में। और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ सबकी पसंद दम आलू की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे हो या बड़े, सबको ये बहुत पसंद आती है। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले बेबी पोटैटो चाहिए, जो कि छोटी आलू होते हैं। ये दम आलू की रेसिपी बेबी पोटैटो से ही बहुत अच्छी तैयार होती है, लेकिन अगर आपके पास बेबी पोटैटो नहीं है तो आप नॉर्मल आलू से भी इसको बना सकते हैं। इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर इसको कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे, थोड़ा सा पानी और नमक डाल के 1 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। नमक बॉयल करते वक्त डालने से आलू अच्छे से पक जाता है और आलू नॉन स्टिकी भी रहता है। आलू को 1 सीटी के बाद मैंने बंद कर दिया था, तो ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब इसको निकाल लेंगे और सारे आलू के छिलके को अच्छे से हम छील लेंगे। छीलने के बाद हमें इसको फोक की हेल्प से थोड़ा थोड़ा होल करना है, क्योंकि ये पूरी आलू हमें ऐसे ही कुक करनी है। तो ऐसा करने से आलू के अंदर मसाले का फ्लेवर और नमक बहुत अच्छे से जाएगा। फिर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून जितना सरसों का तेल ऐड करेंगे। ये सब्जी सरसों के तेल में ही बहुत ही अच्छा बनता है। फिर उसमें बॉयल किए हुए बेबी पोटैटो ऐड करेंगे, एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी और नमक डाल के फ्राई करेंगे, जब तक ये अच्छा सा सुनहरे कलर में ना आ जाए। और ये अच्छे से फ्राई हो गया है, तो एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे और फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सेम कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे, फिर जीरा और तेज पत्ता डाल के क्रैकल होने देंगे। कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छे से फ्राई करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मिक्स करेंगे। फिर इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और नमक डाल के इसको एक बार चला लेंगे। फिर थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे। 10 मिनट बाद इसको चेक करेंगे, एक बार अच्छे से चला लेंगे और फ्राई करेंगे, जब तक ऑयल किनारों से निकल न जाए। फिर इसमें फ्राई किए हुए आलू डालेंगे, मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर पानी डाल के मिक्स करेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम ले सकते हैं, आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जैसी चाहिए आप उसके हिसाब से पानी ऐड करें। थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे, ये दम आलू में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, तो इसको डालना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे, धनिया पत्ता का फ्लेवर किसी भी सब्जी में आप डाल दो, सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लास्ट में हम गरम मसाला ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, इसको कवर करके लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। 10 मिनट बाद इसको चेक करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सा दम आलू बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसको पूरी, पराठा, चपाती, किसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। और फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।